नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, केजरीवाल की चुनावी यात्रा किस राज्य में जाकर पहुंची है, वो है मध्य प्रदेश। जी हाँ, 2023 ये साल जो है वो 6 राज्यों की तस्वीर बदल देगा। 6 राज्यों में चुनाव है, 6 राज्यों की सरकार बदल सकती है या फिर वही रह सकती है। अब देखिए कि केजरीवाल जो है उन पर काफी सारे आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। उनके जो मंत्री हैं उन्होंने इस्तीफे दे दिए, दोनों मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिए, नए मंत्री आ चुके हैं, दोनों मंत्री इस वक्त जेल में हैं। और तो और देखिए कि केजरीवाल जो है वो अपने पार्टी को बढ़ाने की कवायद में राजस्थान में दौरे कर रहे हैं और अब आज पहुंचे थे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सीएम भगवंत मान और सीएम केजरीवाल दोनों पहुंचे थे। काफी बड़ा देखिए रोड शो हुआ था, उसके बाद जनसभा को संबोधित किया गया था। और तो और भाजपा की जितनी भी नीतियां हैं उनको पलट कर रख देने की जो ताकत है केजरीवाल में है, ऐसा देखिए उन्होंने बयान दिया था। और तो और भाजपा के भ्रष्टाचार के बारे में उन्होंने बात की, एमपी के लोगों को क्या क्या दे सकते हैं उसके बारे में बात की और क्या कुछ बोला सुनिए उनकी जुबान। फिर उन्होंने मेरे 2 सबसे शानदार मंत्री गिरफ्तार कर लिए, मनीष सिसोदिया और सतेंद्र जैन। सतेंद्र जैन वो शख्स है जिसने फ्री बिजली देना शुरू किया था दिल्ली के अंदर। उसने सारा, बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, वो बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, सारा मेरे पास हिसाब किताब लेके आया। एक दिन बोला सर जी दिल्ली की बिजली मुफ्त हो सकती है। मैंने कहा कैसे हो सकती है, तो कागज लेके आया, कहता है देखो सर इतने पैसे चाहिए, ऐसे बिजली मुफ्त कर देंगे। उसने दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बनाए, उसने दिल्ली के सारे अस्पतालों में सारी दवाइयां मुफ्त कर दी। प्रधानमंत्री जी ने उसको जेल में डाल दिया। एक मनीष सिसोदिया है, भाई साहब 75 साल हो गए आजादी के, आज भी हमारे देश का एक गरीब आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता। आज यहां पे मध्य प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार है, व्यापम घोटाला, मुझे लगता है आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला होगा। कोई कह रहा 8,000 करोड़ का, कोई कह रहा 10,000 करोड़ का, 45 से ज्यादा लोग मर गए। प्रधानमंत्री जी ने किसी को जेल नहीं भेजा, क्यों? अपने थे सारे। प्रधानमंत्री जी को, मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, व्यापम घोटाला दिखाई नहीं दिया। कोई मेरे को कह रहा था यहां पे एक WCD वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट, उसमें 100 करोड़ का घोटाला हो गया, मामा जी उसके मंत्री हैं, उसमें फर्जी आंगनवाड़ी, फर्जी लाभार्थी, सारा फर्जीवाड़ा, 2200 करोड़ का कटनी हवाला। मेरे को आज मैं आ रहा था, कई सारी लिस्ट देके गए हैं लोग, इतने घोटाले, किसी को जेल नहीं भेजते प्रधानमंत्री जी, किसी को जेल नहीं भेजते। तो देखा केजरीवाल ने यहां पर वादे तो कर दिए, अब वादे जब करे हैं तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जो फ्री की रेवड़ियां केजरीवाल ने बांटनी शुरू कर दिया मध्य प्रदेश में, वो बीजेपी उसका क्या तोड़ निकाल पाती। क्योंकि अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में जब केजरीवाल ने फ्री की रेवड़ियों का अनाउंसमेंट की थी तो बीजेपी भी देखिए पीछे पीछे आ गई थी और अमित शाह ने जाके देखे वहां पे बहुत कुछ फ्री का ऐलान कर दिया था। अब देखने वाली बात है कि आखिरकार 23 में जब चुनाव होंगे, यानी कि इस साल जब चुनाव होंगे तो जीत किसकी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।